बड़ा सवाल, क्या बाहुबली नेता डीपी यादव बीजेपी का दामन थामेंगे? ये सवाल दरअसल इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि अंबाला में आयोजित बीजेपी की रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ डीपी यादव एक मंच पर नजर आए। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं। इस रैली को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करने पहुंचे थे और यही मंच पर डीपी यादव नजर आए। डीपी यादव बाहुबली नेता माने जाते हैं, उनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई जिलों में पैठ भी है। ऐसे में एक मंच साझा करने के बाद कयास यही है कि हो सकता है डीपी यादव अब बीजेपी ज्वाइन कर ले, इसके पहले वो कई और पार्टियों में रह चुके हैं। तो बीजेपी ने भले ही संभावना से इनकार कर दिया है, बीजेपी ने इस बात को खारिज कर दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर बीजेपी को घेर रही है। अगर डीपी यादव आज समाजवादी पार्टी होते तो भाजपा को लगता कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती, लेकिन खुद उन्होंने जो किया है इसको जनता गंभीरता से देख रही है और इसका जवाब भी गंभीरता से जनता देगी। और नीलम कटारा, जिनके बेटे की हत्या डीपी यादव के बेटे ने की थी, इस तरह की तमाम चीजें हैं। नीलम कटारा कहती हैं कि डीपी यादव जैसे बाहुबलियों के अच्छे दिन आ रहे हैं लेकिन आम जनता के नहीं। जिस भी कारण से हुआ है अभी भी इस पे कोर्स करेक्शन किया जा सकता है, रास्ता फिर से सोचा जा सकता है, क्योंकि ये जो है हरियाणा ऑनर किलिंग क्राइम, इन चीजों के लिए जो तो एक विमेन की स्थिति है हरियाणा में, उसके लिए कैसा मैसेज जा रहा है वो बात अलग है। ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने देश की बात कर रही हूँ कि अगर ऐसे लोगों को ये कहा जाएगा कि ये क्रिमिनल नहीं है और ऐसे लोगों का साथ लिया जाएगा तो फिर सबका साथ कैसे होगा? डीपी यादव का साथ है या हमारे जैसे लोगों का साथ है?